ईश्वर का प्रेम दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज खजूर रविवार या प्रभु यीशु के दुख भोग का रविवार है आज हम यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश का स्मरणोत्सव मनाते हैं यह उत्सव यीशु के यरूशलेम में बिजाई प्रवेश की याद दिलाता है जिसका उल्लेख चारों सुसमाचारों में किया गया है यीशु ने शहर में यह जानते हुए प्रवेश किया कि उसकी निंदा की जाएगी और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मृत्यु के बाद उसे दफनाया जाएगा हमें पाप से बचाने के लिए उसने इस सभी कष्टों को सहा खजूर रविवार पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है जो यीशु के अंतिम दिनों की याद दिलाता है आज के पाठों का सारांश खजूर के साथ जुलूस में सुसमाचार पाठ यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है जैसे भीड़ खजूर की शाखाओं को लहराती है और चिल्लाती है दाऊद के पुत्र को होसारना पहला पाठ यहोवा का सेवक सताए जाने पर भी अडिग रहेगा दूसरा पाठ मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया है सुसमाचार पाठ यीशु को सूली पर चढ़ाया जाता है और मरने के बाद उनके शरीर को कब्बर में रखा जाता है आज का पहला पाठ में हमें बताया जाता है कि नबी याशयाह ने अपने बारे में बताया कि तमाम कष्टों और अस्वीकृति के बावजूद ईश्वर उनके साथ थे उसने सारे अपमान सह लिए उसने अतपीड़कों का बदला नहीं लिया कष्टों के बीच वह धैर्यवान था नबी ने खुद को याद दिलाया कि ईश्वर उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सहायता की वह भ्रमित नहीं हुआ भविष्यवक्ता या सयाह की तरह हमें अपने कष्टों को सहना चाहिए और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए और हम जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे दूसरे पाठ में संत पौनुष हमें यीशु के बारे में बताते हैं कि वे जो ईश्वर थे अपने पिता की आज्ञाकारिता में मनुष्य बन गए आज्ञाकारिता में उसने अपने आप को दीन किया और एक छोटा मनुष्य बन गया आज्ञाकारिता में वह क्रूस पर मर गया इस कारण परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यीशु के नाम पर हर घुटना झुकना चाहिए और सभी प्राणी खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि वह प्रभु है आज का सुसमाचार पाठ यीशु खत के दुख भोग के बारे में है सबसे पहले यीशु ने ग्स्यमाली बारी में मरण संकट का अनुभव किया दूसरा यीशु को पकड़वाया गया और भीड़ को सौंप दिया गया तीसरा यीशु को पतरस ने नकारा उसने कहा कि वह यीशु को नहीं जानता था चौथा यीशु को कोड़े लगवाए गए पांचवा यीशु ने कलवारी के रास्ते में क्रूस को उठाया छठवा यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था सातवा यीशु की मृत्यु क्रूस पर हुई अंत में यीशु को कब्बर पर दफनाया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें याद दिलाता है कि ये सुने हमें यह साबित करने के लिए कि वे हमसे प्यार करते हैं इस तरह से कष्ट उठाना चुना आइए आज हम महसूस करें कि हम कितने कमजोर और पापी हैं और अपने परमेश्वर के पास लौटें आइए हम अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने बुरे जीवन को सुधारें यीशु की पीड़ा और मृत्यु के लिए खेद महसूस करना पर्याप्त नहीं है उनके लिए पश्चाताप करना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर के लिए बदलना चाहिए प्रार्थना हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपने मेरे पापों के लिए कष्ट उठाया और मर गए जहां मुझे मरना था वहां तुमने मरना स्वीकार किया इससे बड़ा कोई प्यार नहीं हो सकता मेरे लिए आपकी पीड़ा और मृत्यु के लिए धन्यवाद उसके बदले में मुझे तुमसे प्यार करने में मदद करो आमिन